बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ इस सेशन में हम बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। यदि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो आपके पास नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के रूप में ऑप्शन उपलब्ध है, जिसको आप ऑल्ट प्लस एंटर से भी खोल सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास एक राइट हैंड साइड पे डॉकर के रूप में उपलब्ध हो जाएगी ये प्रॉपर्टीज। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं कोरल ड्रॉ में, तो उससे रिलेटेड सारे सेगमेंट की प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस केस में आपको सभी प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर मिल जाती है, इस कारण ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विंडो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि मैं एक से अधिक ऑब्जेक्ट के साथ काम करता हूँ तो मुझे केवल उन ऑब्जेक्ट को ही चेंज करना है। आप देखेंगे कि यहाँ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन में, लेकिन जैसे ही मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल दिखाया जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में कि आप आसानी से सभी प्रॉपर्टीज को एक स्थान पर प्राप्त कर पाते हैं और आसानी से उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया है, यदि मैं यहाँ से आउटलाइन विड्थ चेंज करना चाहता हूँ तो आसानी से चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ से जिस प्रकार का मुझे लिमिट चाहिए वो सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ, नो फिल कुछ भी फिल नहीं करना है, यूनिफॉर्म फिल कोई एक कलर फिल कर सकता हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ पे आसानी से मैं कलर्स के साथ काम कर सकता हूँ। आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के आप इमेजेस को भी आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आप केवल एक ही स्थान से बैठे बैठे बड़ी आसानी से सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से बाकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है मेरे पास, रेक्टेंगुलर की जो मुझे साइड्स डिफाइन करनी है, कॉर्नर्स डिफाइन करते हैं, वो सेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैं इसे बढ़ा देता हूँ और यहाँ यदि आप देखें तो कॉर्नर जो है वो आपके पास रेडियस के साथ मॉडिफाई हो गए हैं। तो इस प्रकार आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ एक ही जगह से बैठे हुए कर सकते हैं। आप फाइनली समरी देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और आपने उस पर क्या क्या किया है। फाइनली मैं वापस आता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अब इस ऑब्जेक्ट पे होगी। जैसे मैं यहाँ से हेयर लाइन विड्थ, जैसे मैं यहाँ से लाइन विड्थ चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। मैं चाहूँ तो इसमें कलर रिफाइन करके भर सकता हूँ इसमें। इसके साथ ही आप पैटर्न फिल कर सकते हैं और बिट मैप पैटर्न फिल कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप एक ही स्थान से बैठे बैठे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर रहता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का। इससे आपका कार्य करना बड़ा आसान हो जाता है। जब भी आप कोरल ड्रॉ में कार्य करें तो आप अपने पास यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन करके रखें, ताकि आसानी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकें और अपनी ड्राइंग को आसान कर पाएं। धन्यवाद।